वन मिनट रिवीजन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 14 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे दोस्तों अपन एक मिनट में। तो दोस्तों 13 नवंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। और दोस्तों हाल ही में अनशॉकिंग इंडिया नामक पुस्तक को अजय छिब्बर और सलमान अनीसौजी ने लिखा है। दोस्तों हाल ही में नासा और स्पेस एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले 3 क्रू मिशन को लॉन्च किया है दोस्तों फ्लोरिडा सेंटर से। तो दोस्तों आनंद शंकर पांड्या जी जो कि एक लेखक थे और वह विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में डैनियल ब्रूहल जी को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप को लॉन्च किया। कर्नाटक का हस्तकला हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में NTPC ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के सहयोग के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नेपाल देश के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा जी को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया दोस्तों। उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीते। और दोस्तों 2023 में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की COP28 की मेजबानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करेगा दोस्तों। और दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आशु सुयश जी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया। और हाल ही में TVS मोटर कंपनी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का भागीदार बनी दोस्तों। यह थे दोस्तों 14 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी एक मिनट में। धन्यवाद।